जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से उत्तराखंड बीजेपी में जश्न का माहौल है। हल्द्वानी में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। साथ ही कालाडूंगी से विधायक और जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे बंशीधर भगत, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का धन्यवाद भी किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रता इसका कार्य भी पूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था, यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है।